इंडिया साइज एंड लोकेशन अभी करवा रहे हैं। सर सबसे पहला टेस्ट मैथ का है, तो अब से कुछ दिन मैथ्स करें। आप हमें को भेज देना शेड्यूल, हम उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। सर कैसे भेजें? मैं लेके आई हूँ, देखोगे रूम में भेज दो। सर आप मुझे कर सर ये है मैं भेज दूंगा नाउ। सर तक फिर मेरे ही है क्या? इसी को बोल रहा है। हाँ मैंने इस बारे में बात की थी, इसने मेरे मत कर दी। चलो चलो बैठो। एक और इसके ऊपर है नजर हेमिस्फीयर। अभी मेरा और इसके बाद ऐसे कई तरीके के यहाँ पर सर्कल्स हैं, ये बात मालूम है आपको? यस सर। लैटिट्यूड्स कहते हैं। और यहाँ पर सेंटर से अगर हम लें तो 22.5 डिग्री पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पड़ेगा। और बीच में क्या पड़ेगा? इक्वेटर पड़ेगा। सो लेट अस सी अबाउट इट नाउ। ओके सो प्रश्नों का तो उत्तर दीजिए। यू वर कंजीनर वाइल्ड टॉकिंग, आप बात करने में लीडर बने हुए थे। सो जो इंडिया है वो किस हेमिस्फीयर में पड़ता है? ये सदर बता रहे हैं, ये तो इनकी हालत है। ये दक्षिणी बोला आज में भारत को बता रहे हैं, इन्होंने कभी देखा ही नहीं। मैं वहां ग्लोब इनके बगल में आपके जब की बुक में पहले पेज पे ही बना हुआ है कि दिस इज, अगर आप देखोगे तो हाफ के ऊपर आ रहा है कि नहीं? तो हाफ के ऊपर आ रहा है तो वो किस
हेमिस्फीयर का. सो इंडिया इज इन नदर हेमिस्फीयर. पहली लाइन लिखो. सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. ठीक है. लाइन इन नदर हेमिस्फीयर. ये कहाँ पर पड़ता है? ऊपर के इस पे पड़ेगा. नदर हेमिस्फीयर पड़ेगा. नाउ देखें, सो इंडिया में इस बात का ध्यान रखना, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, ये इंडिया के बीच से जाएगी. ये कौन सी लाइन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जरा ये देखो, इंडिया को कितने लैटिट्यूड में अभिषेक बांटा गया, कितने पीसेस में बांटा गया? गोल गोल टमाटर होते हैं जैसे, ऐसे गोल गोल काटो तो कितने पीस में बांटा गया है? बोलो सर. दो. ये ठीक कह रहे हैं आप. बेटा बताओ. अच्छी बात है. अंशिका साक्षी बताएंगे. साक्षी का कहना ठीक है और आप भी ठीक कह रहे थे. जैसे कि अमितेश ने भी बताया कि टोटल 180 लैटिट्यूड्स में बांटा गया है. तो देखिए सौम्या ने भी ठीक बताया था. तो मुझे लगा दूसरे. बहुत अच्छा बेटा. सो जैसे कि आपने बताया कि ये गोल गोल है, अगर मैं इनको पीस में कट करता जाऊं तो कैसे होंगे गोल गोल? ये पीछे भी हैं, बट दैट वी कैन नॉट सी. मुझे लगा आप उसके लगा तो ठीक है. लॉन्गिट्यूड. अच्छी बात है. जैसे उन्होंने बताया लॉन्गिट्यूड भी उन्होंने ठीक बताया. 360 है. दोनों ही करेक्ट है. लेकिन हम एक एक करके अमितेश की बात पढ़ेंगे. वो देखो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लैटिट्यूड पूछ रहे हैं. सर हमसे लॉन्गिट्यूड भी तो पूछो. कितनी बड़ी बात है. सो पहले हम लैटिट्यूड देखेंगे. उन्होंने कहा ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है. ये कैसा है? 0 डिग्री. और हर 1 डिग्री पर, यहाँ से सेंटर से 1 डिग्री पर एक छल्ला काट दिया गया. जैसे खरबूजा कट किया जाता है, 2 डिग्री पर दूसरा छल्ला, तीसरा छल्ला. जब ऐसे 23 छल्ले बीत जाएं तो 23.5वें छल्ले पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क वृत्त. बीच वाला कौन सा है? इक्वेटर. जो इक्वल करता है ना अर्थ को, उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर. और नीचे जाओ 1 छल्ला 2 छल्ला कितने डिग्री पर? हर 1 डिग्री पर एक छल्ला. 23.5 पर क्या पड़ेगा? यस इट इज मकर व्रत. सो कर्क व्रत, मकर व्रत, विषुवत व्रत. दीज आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द सेंटर वन इज इक्वेटर. नाउ तो अगर आप नीचे जाओ तो ये देखिए इक्विनॉक्स का पड़ता है. सौम्या और कौन ये बताएगा? इक्विनॉक्स करेक्ट. जैसा कि सौम्या ने बताया कि 23 सितंबर को दिन और रात एक समान होते हैं. और बहुत बड़ी बात है क्योंकि इक्वी और नॉक्टर्नल का क्या मतलब होता है? रात. नॉक्टर्नल तो समझते हैं ना हिंदी में, रात. तो जब दिन और रात एक समान हो तो उस चीज को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स. चलो अब ये देखो, तो अगर मैं ये बीच वाले से चलूं तो ये 0 डिग्री, जो 0 डिग्री है वो क्या है अमितेश? इक्वेटर 0 डिग्री है. और अगर मैं इससे, ये जो पहला वाला लेटिट्यूड है वो कितने डिग्री पर पड़ेगा? पर बोलो 1 डिग्री पर. 1 डिग्री ऊपर चलते जाओ. और नीचे वाला जो पहला छल्ला है वो कितने पे पड़ेगा? 1 डिग्री साउथ. लेकिन अगर मैं और आगे बढ़ता जाऊं तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने डिग्री पे पड़ेगा? यानी 23 छल्ले पार कर जाओ ऊपर के 23 पीस. तो ये क्या पड़ेगा बताइए? 23.5 डिग्री नॉर्थ. इसका नाम बताइए. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और इससे अगर मैं 23 छल्ले बीच वाले से नीचे आ जाऊं तो क्या पड़ेगा? वेरी गुड. यहाँ से यशिता आपने बहुत अच्छा बताया. दिस इज 23.5 डिग्री साउथ पर क्या पड़ेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है? करेक्ट. इन्होंने बहुत अच्छी बात कही. बोले कि ये जो भी है इंडिया तो यहीं पर है. बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई. इक्वेटर जाता है इंडिया से.
ये जैसे कि हम सबको सौम्या ने एक रास्ता दिखाया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से जाता है ना कि कैप्रिकॉर्न, और कोई होता तो बता देता है एक दो स्टेट का नाम। बहुत बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि हमारे इंडिया के मिडिल से क्या गुजरता है बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये चीज हो गई कि नहीं। अब देखो सो और अदर स्टेट्स भी हैं और इक्वेटर ये सब अफ्रीका से होकर गुजरता है। जरा ध्यान से देखिए, क्या पहला पेज निकालो और उसमें देखो कि क्या अफ्रीका से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है, वहां से पास हो रहा है, वहां पे थर्टी तक चला जा रहा है और साउथ अफ्रीका का भी जा रहा है, क्या थर्टी तक भी चला जा रहा है, बोलो चला जा रहा है कि नहीं। सो इस तरीके से इंडिया इज नाइन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर, देयर आर, तो कितने तरीके के लैटिट्यूड्स हैं, दैट इज सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल्स डिस्क, इट इज जो भी हमारा, ये देख लो ये सब क्या कहलाते हैं जिनमें ये हमारा पूरा वर्ल्ड डिवाइड है, क्या इस तरीके की बहुत सारी डिस्क है, लॉन्ग लैटिट्यूड ये डिस्क है, तो इस तरीके की बहुत सारी डिस्क हो जाएंगे कि नहीं। तो अगर उसको मैं एक कट करता जाऊं टमाटर के तरीके से तो ऐसे कट होते जाएंगे कि नहीं। तो देयर आर हाउ मेनी डिस्क टोटल, 180 लैटिट्यूड्स, 90 लैटिट्यूड्स फॉर अबव इक्वेटर एंड 90 लैटिट्यूड्स फॉर बिलो इक्वेटर, देयर आर, अच्छा देयर आर 180 लैटिट्यूड्स। नाउ ये बताइए अर्पिता इस लैटिट्यूड का नाम, सर किस लैटिट्यूड का नाम, इसका ये कौन सा लैटिट्यूड है, ये सब कुछ आप इनसे पूछ कर बता रही हैं, 90 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 90 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ता बढ़ता 90 हो गया, तो 90 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, अरे और इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री साउथ को कहते हैं, तो ये बहुत अच्छा बताया कि जो अर्थ है वो इस तरीके से अपने एक्सिस पर चलती है, तो इन्होंने कहा कि जो इक्वेटर है जैसे कोई तिरछी बॉल ना हो, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, बोला कि टिल्ट होते हुए भी जैसे कोई टमाटर तिरछा तिरछा चले या लट्टू घूमते घूमते तिरछा हो जाए, तो इन्होंने बताया कि ये अपनी एक्सिस पर कितनी झुकी है, 22.5 डिग्री, कितना झुकी है और ऐसे रोटेट कर रही है। अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये हमको इस तरीके से रोटेट करती हुई लग रही है कि यानी ऐसे घूमती हुई दिख रही है जैसे एंटी क्लॉकवाइज, इसका रोटेशन कैसा है, क्लॉक ऐसे घूमती है ना, यस सर, तो इसका कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज सिर्फ वीनस घूमता है, ये बहुत बड़ी बात है नंदाई, बोला ये इसकी एक्सिस है इस पर से घूमना चाहिए लेकिन ये तिरछी हो गई है, तो बोले सब कुछ ऐसा ही मानो अर्पिता ने बताया, लेकिन वो जो जीरो है वो यहाँ आ जाएगा कि नहीं, भाई कोई भी चीज तिरछी भी तो घूम सकती है, उस पर एक डंडी डालो एक बॉल पे तिरछा घुमाओ तो सब कुछ तिरछा हो गया कि नहीं, तो ये क्या हुआ बताओ, क्या नॉर्थ पोल हुआ, यस सर, तो ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल, तो साउथ पोल कितने पर पड़ेगा बताओ साक्षी, 90 डिग्री साउथ, तब भी वो 90 पे ही पड़ेगा, चाहे अपनी बॉल को तिरछाई क्यों ना कर लो, यही बॉल है तिरछी कर लो घुड़ो, ठीक है कि नहीं, सो ये 90 डिग्री पर साउथ पर पड़ेगा, और ये कितने पर है, 90 डिग्री नॉर्थ पर पड़ेगा, इतनी बार समझ में आई, तो लैटिट्यूड समझ में आ गया आपको कितने होते हैं, नाउ देयर आर हाउ मेनी लैटिट्यूड्स,
इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखिए, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन ये पहला पॉइंट है बिटवीन 8.4 डिग्री नॉर्थ 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ 30 ऐसे लिखो 8 डिग्री 4 मिनट क्या लिखा गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट सर। लैटिट्यूड तो 180 और लॉन्गिट्यूड 360 होंगे ना। अभी लैटिट्यूड हम 180 और लॉन्गिट्यूड का बता रहे हैं। अभी हम लोग किस पर बात करें बताओ, लैटिट्यूड इस कितने पे करता है बताइए। 8 डिग्री 4 लैटिट्यूड 4 मिनट। अच्छा 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। 60 पार्ट्स होते हैं, इसको मिनट कहते हैं। ये क्या कहते हैं, 60 मिनट। तो इससे पता चल जाता है कि 8 डिग्री फुल है और 1 मिनट क्या होता है 1/60 डिग्री। 1 मिनट कितना होगा 1/60। तो 1/60 डिग्री तो बोलो 4 मिनट क्या होगा 4/60 डिग्री। समझ आया 1/60 डिग्री। तो बहुत छोटी सी चीज है, समझ में आ गई बात की नहीं। तो इसी तरीके से 8 डिग्री 4 मिनट इसे पढ़ा क्या जाएगा बताओ। इंडिया कितने लेटीट्यूड से कितने लेटीट्यूड तक एक्सटेंड करता है। 37 नॉर्थ से नॉर्थ। क्यों, क्योंकि ये जो इसका पहला पोर्शन है ये कितने नॉर्थ पे आया 8 डिग्री 4 मिनट। और ये जो टॉप मोस्ट पोर्शन है ये कितने नॉर्थ है। कितनी बात समझ आ गई। अब जरा देखो, इसी तरीके से एक लाइन ब्रिटेन से जाती है, तो मान लो अगर ये बीच में मिले तो GMT उसको कहते हैं, ग्रीन विच मीन टाइम। क्या कहते हैं, ग्रीन विच मीन टाइम। उसको कहते हैं 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। लॉन्गिट्यूड बोल देना, ठीक है। तो इस जो इस तरीके से है तो अब देखो देशांतर रेखाएं, इसको अक्षांश वृत्त कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसमें देश अलग अलग पड़े देशांतर रेखा। अच्छा इसके इधर चले तो क्या पड़ा, अफ्रीका। ये ठीक कह रहे हैं क्योंकि इधर ही वेस्ट है। और इसके इधर चले तो चाइना। ये ठीक कह रहे हैं। तो अब हम इधर अगर चलते चले जाएं तो 1/1 डिग्री पे ये बनाया गया है क्या। हाँ। यानी खरबूजा ले लो और एक चीरा लगाओ, पूरा मत काटना तरबूज को, सिर्फ आधा एक तरफ से, और धीरे धीरे मुड़ते चले जाओ। जैसे मान लो मेरे पास ये खरबूजा है और ये खरबूजा का सेंटर पॉइंट ये है, अब मैं यहाँ पे एक चीरा लगाऊं उसमें जैसी लाइन भी तो बनी होती है, इधर बढ़ता चला जाऊं और पीछे भी चलता चला जाऊं, और इसके बाद यहाँ से जब मैं इधर चलूंगा तो पीछे तक पहुंच जाऊंगा इस चीरे पे। तो सर ऐसे ही तो खरबूजे पे लाइन बनी भी होती है। तो ये जो मैं पीछे पहुंचूंगा क्या वो एग्जैक्ट इसके पीछे होगा। हाँ। अब इसके इसके बाद इधर भी चलो तो इधर भी चलेंगे और तो भी मैं इसी पे पहुंच जाऊंगा क्या। हाँ। तो ये जो मैं इससे इधर चला ये कितने है बताओ लॉन्जिट्यूड। टोटल 180 वेस्ट में है और 180 ईस्ट में। तो ये 180 वेस्ट और ये वाली जो पीछे वाली है ये आगे वाली तो 0 डिग्री है, ये कौन सी है 0 डिग्री, और पीछे वाली क्या है 180 डिग्री ईस्ट भी कह सकते हो या 180 डिग्री वेस्ट या सिर्फ 180 भी कह सकते, क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन है। तो 180 डिग्री। अब देखो तो ये जो मैंने 0 बनाया था क्या ये यूनाइटेड किंगडम में है या ब्रिटेन है। लेकिन हम लोग तो आप नक्शा देखो आपके बुक बना हुआ, इसके इधर तो हम लाइक करते हैं कि नहीं। अगर देखोगे तो हम इसके यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के लेफ्ट में है कि राइट में, चेक करो राइट। तो अगर देखा जाए तो 0 यहाँ पे हुआ ना जो यूनाइटेड किंगडम से जा रहा है, यही तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है कि नहीं।
लेकिन इंडिया ऐसे बहुत सारी आती जाएंगी, तो इंडिया का जो पहला वाला आएगा 11 डिग्री पे आएगा, तो बोलो ये वाला कौन सा लॉन्जिट्यूड होगा जो पहला वाला आएगा, बोलो। हम ईस्ट में जा रहे हैं, बोलो बोलो सौम्या। सर 97, यानी अगर इंडिया को हम लॉन्जिट्यूड में देखें तो इंडिया कितने लॉन्जिट्यूड में पड़ता है? 36 डिग्री। ये तो इसका इक्वेटर हुआ, और इक्वेटर के ऊपर हम है कि नहीं? इक्वेटर के हम कहीं यहाँ पर हैं, कोई मुझे बताए ये कौन सा डिग्री? 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 68 डिग्री 7 मिनट। हाँ, तो इसका जो पहला वाला पॉइंट है, तो ये देखिए कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है और ये इसके नीचे ऐसे बना दो और इसके ऊपर यहाँ पर कैसे बना दीजिए कि कैसे बना दीजिए, फिर इसके बाद ऐसे और फिर यहाँ पर इंडिया। बोलो बात समझ में आ गई? एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स के ऊपर ये और ये नीचे, सो इट विल बी इंडिया। नाउ अब देखिए, तो मुझे बताओ ये वाला जो हमारा लैटिट्यूड है ये कितना? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। क्योंकि हम ईस्ट में ही तो जा रहे हैं, 0 डिग्री से किधर गए बताओ? ईस्ट ईस्ट में ही भारत मिलेगा, जैसे मैंने बताया ईस्ट में, और उधर चले गए तो उधर अमेरिका मिलेगा, ब्रिटेन को उधर क्या मिलेगा? अमेरिका। इधर गए, देख लो आप अपने मैप में, बुक में बना लो, देख लो 0 डिग्री है, यहाँ से जाएंगे ये कि नहीं? उसके नीचे इधर पर जाओगे तो 66 पे मिलेगा इंडिया, 66 पे। आप बोलो आपस में मत पढ़ाओ सौम्या, जितना है आप उसको सब बताई दे रही हो, बाकी 97 डिग्री 35 मिनट ईस्ट। फिर अलग से हमसे टाइम मत मांगा जब यही चीज लिखा हूँ, अपने साथ ही साथ याद करते जाओ। अच्छा, इस ये जो है ध्रुव, इसका मुझे बताओ लेटिट्यूड यहाँ का। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने यहाँ से देख लिया 8 डिग्री है, और उनका भी कहना ठीक है कि सर ऊपर वाला 37 है, दोनों ने अपनी अपनी जगह सही बताया, क्योंकि अब हम जब यहाँ यहाँ आएंगे तो आप लोगों ने एक्चुअली इससे देख लिया, नहीं तो बिना देखे बताना चाहिए कि भाई ये नीचे वाली लाइन यहाँ से देखी होगी, तभी तो इन्होंने कहा कि सर नीचे वाला 8 डिग्री से 4 मिनट लिख दीजिए। जब ऐसे देखा तो पहले वाली को क्या बताया, ये भी सही बता रहे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। एकलव्य की बात ध्यान से सुनो, अगर सीखना है नहीं तो कुछ सीख नहीं पाओगे। और बेटा इसको क्या बताया जो एक्सट्रीम एंड है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और ये जो टॉप मोस्ट है वो कितना? 37 डिग्री। और जो बॉटम मोस्ट है ये? 8 डिग्री। वो तो चारों बना दिए कि नहीं मैंने? एक्सट्रीम तो यहाँ वाला कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट। और ये 8 डिग्री 4 मिनट। बोलो बात समझ आ गई? इसके लैटिट्यूड्स बताओ इंडिया के। सर लैटिट्यूड सर जो ऊपर वाला है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड बताओ। साउथ में चल जाओगे तो वैसे चल रहे, वैसे ऐसे चलो, यहाँ साउथ है, साउथ ही समझते ही नहीं हो साउथ। सर ईस्ट। हाँ, लैटिट्यूड बताओ।
पता ही नहीं था मुझे क्या नाम भी पता था हमारा यू सीधा सीधा तो ऐसे ही है निशिका जब बैठी हो तो ध्यान दो सर उधर ये 8 डिग्री और लॉन्गिट्यूड ये तो है ना 8 डिग्री से यहाँ दिखाया कि नहीं ये ऐसे ऐसे सर्कल में ये सर्कुलर जो लंबा हो लो वो लॉन्गिट्यूड है जो लॉन्ग हो और जो लेटा है वो लेटीट्यूड है समझ में आई बात की नहीं अब आगे देखो सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑफ कैंसर जब हमारे 4 पॉइंट्स हो जाएंगे उसके बाद मैं टेस्ट ले लूंगा पहला हो गया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स कंट्री इनटू टू इक्वल पार्ट्स टू इक्वल पार्ट्स तो जब आप टेस्ट लोगे तो ये भी लिखना होगा इंडेक्स ऑफ पार्ट्स सुन लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब अपने बुक में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से क्या आपके पास बुक है यस सर ये पेज खोलो नहीं है तो अब इसमें आप बना लेना जैसे जिनके पास बुक है खोल के देख के बना लो पीछे से सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पीछे से देखो इसका के पास है सो नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है अब जरा देखिए ये कहां से कहां पास होती है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा एंड मिजोरम गुड नाउ नेक्स्ट इज झारखंड वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम वेस्ट बंगाल त्रिपुरा अब तेरा देखो नाउ कुछ काम आप करें जो मैं बता रहा हूँ इसमें पहले आप स्टेट भर लें और फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि स्टेट भरने के बाद यूपी आपको मालूम है कहाँ है yes, sir, यूपी लिखो सो देखो आप किसी से भी कर लो मैं आपको नया फिलहाल हाँ इसको भर लीजिए इसमें तो ये यूपी हो गया यूपी भरो उत्तर प्रदेश ठीक है नेक्स्ट इज पेन चाहिए क्या ठीक है यूपी के ऊपर ये जो चीज है ये क्या है उत्तराखंड देखो उत्तराखंड यूपी का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का हिस्सा है तो क्या कहलाएगा उत्तराखंड क्या कहलाएगा उत्तराखंड या फिर दूसरा यूपी का क्या मतलब है सर उत्तराखंड ही है अच्छा ये क्या है बताओ हिमाचल प्रदेश एचपी हिमाचल प्रदेश एचपी रिपोर्ट और यहाँ भी एचपी चेक करो एचपी दो बार लिखो देखो एचपी ये देखो एचपी हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश अब इसमें इसे तीन हिस्से कर दिए गए आपको मैप नहीं मिला आप बोलो आगे
इसके इधर में क्या करोगे? राजस्थान आर जे लिख दें सर। राजस्थान और गुजरात तो पता है सर। यस सर जी जी गुजरात ठीक है। नाउ ये कौन सा है सर? एमपी। ये मध्य प्रदेश। अच्छा अब ये देखो बोट वर्ड मालूम है? बी ओ ए टी बोलो। बी ओ ए टी और उसकी जगह डब्ल्यू ओ ए टी लिख लो तो ये चार बन जाएंगे। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, डब्ल्यू ओ ए टी। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये कौन सा है? प्रदेश। ये नोट करो बोर्ड से बोर्ड बना। वेस्ट बंगाल डब्ल्यू ओ ए टी ठीक है। नाउ कितनी बार समझ आई? ये कौन सा है बताओ? ये केरला है। केरला। ये कर्नाटक। कर्नाटका देखो कर्नाटक के के एम कर्नाटका ये लिखो। गोवा यहाँ पे दिखाओ। ये गोवा ठीक है। इतनी बात समझ आई? एक केरला लिखो। केरला कर्नाटका अब जरा देखिए। नाउ मुझे भी आते हैं। देखो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसमें लिखो यानी एटीएम आना मम्मी। तो एटीएम आना और मम्मी इस तरीके से देखो। ये मैंने सारा लिख लिया है। कैसे लिखोगे? जो आपका इधर का स्टेट है ना जो यहाँ पर बना हुआ है तो इसमें यहाँ पर ऐसे बना हुआ है सारा स्टेट। तो अब इसमें आपके में पॉलिटिकल मैप पे ये पोर्शन दिखाया है। अच्छा अभी बता रहा हूँ। ये बोलो ये असम है और इसके नीचे ये त्रिपुरा है। तो देखो एटीएम एटीएम दिख गया असम त्रिपुरा मेघालय। एटीएम सुन गया? एटीएम सही है। एटीएम एक साथ चल रहा है कि नहीं? फिर ये अरुणाचल प्रदेश का फिर उसके बाद नागालैंड को क्या कहोगे? आना। ये समझ में आया? आना। अब मम्मी तो मणिपुर मिजोरम बोलो समझ में आया? सर एन इस कार्य को एम आना मम्मी सर एन इस कार्य को नागालैंड देखो अलग से दिखाएंगे बीच में। सो ए को लिखो असम और ये क्या है बोलो? मेघालय। ये हाथियों का प्रदेश है और ये त्रिपुरा बहुत हाथी है। यहाँ पर क्या है बोलो? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये बोलो क्या है? मणिपुर। ये सिक्किम रह रहा है वो बीच में वो बता रहा। और ये क्या है बताओ? मिजोरम। एटीएम आना समझ में आएगा कैसे कराया? अब जरा देखो जो इसके इधर में आया है भूटान के बगल में ये क्या है? ये क्या चीज है? सिक्किम आ गया। अब देखो जो इंडिया है इंडिया में आप किस तरीके से कहां कहां से पास कराओगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात के टिप से। ये देखो अब मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बता रहा हूँ कैसे पास कराना है। yes,
गुजरात से पास करती है, फिर क्या है इस ट्रिप से पास करो गुजरात एमपी में, ये कौन सा था छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से गई, फिर किससे गई जरा वहां देखो झारखंड, ये झारखंड है, इसको भी नहीं दिखाया था चार, बिहार देखा आपने यस सर, बिहार देखो बिहार नोट किया यस, अरे ये सिक्किम भी झारखंड, तो ये सिक्किम है ऊपर, तो ये भूटान हो गया, कौन सा ये हो गया यस सर, ये हो गया सर, सिक्किम के नीचे पतला सा रूप है वो दिखा रहा हूँ, वो तो सिक्किम का वो असम का ही पार्ट है, वो ऐसे अलग से वो सेपरेट कर दिया, वो गलती से कर दिया, ये कुछ नहीं है असम का हिस्सा, ये कुछ नहीं है। अब देखो ये बनाओ एमपी से छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड होते हुए फिर आगे किससे पास करेगी, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा से होते हुए कहाँ पे जाएगी मिजोरम, और मिजोरम से निकालना, गलती मत करना, मेघालय में मत ले जाना ट्रॉफी परफॉर्मेंस, देख लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कराओ ना, अभी नया बैच देंगे ये सारे स्टेट भरने हैं आपको, अभी याद कर लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरीके से पास कराओ ओके इतनी बात हो गई, राजस्थान से भी जाता है सर, राजस्थान थोड़ा सा राजस्थान से जाता है एकदम एंड, तो राजस्थान से गया होगा ना बुक में, तो नहीं सर नहीं गया, नजर है बुक में देखो राजस्थान से एकदम नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, अरे जा रहा है ये देख ना गैंगस्टर की नजर में जा रहा है सर, मेरा भी जा रहा है, तो वो देखो अरे इसको पेन की जरूरत है, इसमें भी इतना सही आ जा रही है, निकल जा रहा है, मैं चेक करता हूँ राजस्थान में गया है क्या, यस सर गया है, हाँ देखो राजस्थान में मैंने नहीं डाला लेकिन आपको डालना है, मेरे में गलती हुई है, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई है, मैं तो लाइन इसको खींच दिए ना थोड़ा सा ऊपर कर लो, राजस्थान भी लिखता हूँ उसमें, तो यहाँ पे क्या लिखोगे गुजरात के बाद किससे जाता है, बुक में देखो राजस्थान है, पहले से भरो वो भी देखा है, इसमें तो पहले से लाइन जा रही है प्रॉब्लम ऑफ कैंसर, तो वो नहीं भर और जो उसके ऊपर का लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो भरना है ऊपर और एक्सट्रीम, जैसे हमने चार बताए हैं ये और ये अच्छा आप देखो आपको इस एंड पे जो जो एक्सट्रीम है ऊपर वाला टिप दूर है का नीचे वाला गुजरात में ऊपर वाला ऊपर वाला दूर है, मुझे लगा नीचे वाला ना, नहीं ऊपर वाला नहीं सर ऊपर ना ऊपर वाला दूर है, तो जो ऊपर वाला दूर बनाओ, और इधर कितना लिखोगे बोलो यहाँ पे
68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देख लेना, यहाँ जो सबसे टॉप है उसमें क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखना जो पेपर, ठीक है, लिखना है सर पेपर के छोटा छोटा करके लिख दो, पेन से लिख दो, आ जाएगा पूरा, या एरो करके पूरा नाम, नेपाल भी है, नेपाल वो सब इंडिया के पड़ोसी राज्य भी इनको, इसीलिए हमने आपको दिया है। सो बोलो ये आप इसमें भर लो के नेबर कंट्रीज, नेबरी पाकिस्तान, चाइना, और ये अफगानिस्तान भी इंडिया की बात, अफगानिस्तान भी सुनो, अफगानिस्तान का फिर आपने जो मैप दिया उसमें आगे वाला टिप ज्यादा लंबा और जो टेस्ट वाला मैप है उसमें नहीं दोनों वही होगा, नहीं नहीं वही है राइट सर, लॉन्गिट्यूड भी लिखती हूं ऑल स्टेट्स इन मैप पॉलिटिकल मैप, कैसे वाले पेपर का क्या करता है जो आपने पहले दिया था आपने अरे अभी के लिए अब तो ये हटाना पड़ेगा ना, सर जल्दी हटाओ, हटा दो सर जल्दी, शुरू करें सर, चलो सर चलिए बन 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 करना, एक दूसरी तरफ वाला पॉइंट लिख लो, इतना ही करो जितना बताया। आल्सो राइट लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स ऑफ इंडिया, आल्सो राइट लैटिट्यूड एंड ऐसे करके लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइक लाइक एक्सपेरिमेंट पे लिख दो बस, वो कुछ नहीं लिखने मैं भर के दे दो हमको और बाकी मैं पलट लो, ये पलटो मैं वेट क्यों कर रहा है, यस सर बस आखिरी बार आप एरो लगा के लिख दो फुल नेम, सर फुल नेम नहीं, यस सर सर फुल नेम, फुल नेम लिखना होता है सर, जैसे जो मेन मेन है जैसे जिनके नाम का और कोई और नहीं है उनका तो लिख सकते हैं ना, तो लाइक जैसे आपने जैसे कराया जैसे राजस्थान है उसको आर से, क्योंकि और आर से या जैसे नहीं पूरा नाम लिखना है उसमें मुझे स्पेलिंग भी देखनी है ना, सर स्पेलिंग की काटोगे, स्पेलिंग सही होनी चाहिए सर, अब ये पुराने वाले नाम थोड़ा बहुत चलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, हां क्या पता मेरा राजस्थान का नाम है, बात नहीं करो
बोलना बहुत जरूरी है. इज इट नेसेसरी टू म्यूचुअल डिस्कस व्हेन आई एम टेलिंग अंडमान एंड निकोबार आर आइलैंड्स आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल व्हाइल लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन जस्ट नोट इट डाउन. अरेबियन कंट्रीज. इसे अरब सागर क्यों कहते हैं? सर बिकॉज इट लिंक्ड विद गल्फ कंट्रीज. यस गल्फ कंट्रीज है. सो दैट इज जिन देशों के बीच में भी पानी चला जाए दीज आर गल्फ कंट्रीज. खाड़ी देश है. स्ट्रेट ऑफ बंगाल की मुन्नार कहाँ पे है? सर ईस्ट साइड. ईस्ट साइड ना इंडिया टोटल लैंड एरिया कितना है बताइए? 7.28 मिलियन का मतलब समझते हो 10 to the power 6. 3.28 into 10 to the power 6. 30 to 10 to the power 6 और किलोमीटर पर स्क्वायर. कितना? Which is 2.42% of world. यानी ये पूरी धरती की कितनी जमीन लेता है? 2.42% कह सकते हैं. On earth. Total land on earth. Yes sir. काफी ले लेता है. तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें सो इट इज 7th लार्ज कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. दो इट इज इन एशियन कॉन्टिनेंट देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट. हमारा भारत खुद एक उपमहाद्वीप है. इतना बड़ा है ना, तो इसलिए हम कॉन्टिनेंट तो नहीं है लेकिन हम लोगों को इंडियंस को क्या कहा जाता है? सब कॉन्टिनेंट. सो ठीक है, अब आगे देखिए इट इज 7th लार्ज कंट्री लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड. इट लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट. बोलो. यस यस एंड ठीक है ऑल्सो कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट. ऑल्सो कॉल्ड
सब एज इट इज, ठीक है, ये तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ, इट इज कॉल्ड पेनिनसुला बिकॉज इट इज सराउंडेड बाई थ्री ऑन थ्री साइड्स, सो इट इज कॉल्ड, हमें प्रायद्वीप कहा जाता है, भारत का चौथे साइड है, एक वो जो चारों तरफ वो आइलैंड और इट इज कॉल्ड पेनिनसुला, यानी हम लोग प्रायद्वीप है, द्वीप तो नहीं है लेकिन क्या है प्रायद्वीप, तीन हिस्से घिरा हुआ है, एज इट इज सराउंडेड बाय सी on three sides, on अच्छा इसके बताओ वेस्टर्न साइड क्या पड़ता है सर, इसके वेस्ट साइड में पाकिस्तान, वेस्टर्न साइड अरेबियन सी लाइज एंड सदर्न साइड क्या होता है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन द फर्स्ट ओशन नेम्ड आफ्टर सदर्न साइड सर इंडियन ओशन, इंडियन ओशन लाइज एंड ऑन ईस्टर्न साइड क्या पड़ता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल लाइज, इट्स नेबरिंग कंट्रीज आर श्रीलंका नेपाल भूटान और कौन सा रह गया म्यांमार, सो दीज आर इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ओके नाउ की बात आपको समझ में आ गई, सो म्यांमार एम वाई है It has 28 states and 9 union territories. It has 28 states and 9 union territories. 28 states. And 9 union territories. The UTs are, kya hai batao? Jo union territories. वो एक मिक्स हो गया तो वो एक ही बन चुका है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली अब एक ही है, अंडमान एंड निकोबार सर लक्षद्वीप, चंडीगढ़ हो गया नो सर, चंडीगढ़ चंडीगढ़ दिल्ली दिल्ली, तो कितने हो गए, एक लद्दाख हो गया, एक दो तीन चार छह सात, सर आपने जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर भी है अभी तो यूनियन टेरिटरी, अभी तो वही आ रहा है जे एंड जम्मू, जम्मू को अलग से माना गया है, और कोई है कल से, और कोई नहीं है, ठीक है, सो आप देख लो यही पांच पॉइंट, ये पांच पॉइंट हो गए आपके, सर अभी का लिखना है एक और, कौन सा एक और आपको लिखना है कि द
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासस फ्रॉम, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यस सर। अच्छा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासस फ्रॉम, दूसरा क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ यूटी, तीसरा क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ नेबरिंग। कंट्रीज, टोटल एरिया ऑफ मेनलैंड, टोटल एरिया ऑफ मेन 3.28 मिलियन है, तो वही आपको लिखना है, ठीक है सर। वो क्या कहते हैं सर, यूटी में एटी है, माइंड यू कैसे नंबर ऑफ कितने हो गए टोटल सर, एट है सर, एट है इसमें टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 इन्हें अलग अलग माना जाए। हाँ वो 8, 9 अलग हो गए, हाँ, अब वो एक नहीं माने जाते, अलग है, अलग अलग तीन हिस्से किए थे सर, वहाँ पे भी गवर्नमेंट होता है। नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ ठीक है सर, सर पोजीशन सर, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली एक हो गया है सर, एक ही हो गया है दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, मेरी जानकारी में ऐसा है नहीं, सर अब आठ ही है, दमन एंड दीव एंड दादर हवेली दादर नगर, देखो ये अलग अलग लिखे हैं सर, बट अब हो गया है ना, एक हफ्ते हो गया है, अब कब से हुआ है दमन एंड दीव, अभी जब ये पिछले साल जब ये हुआ था, हाँ हुआ था साथ हुआ था, अगर ऐसा होगा तो हम कंफर्म करके बताएंगे, अभी आ नहीं रहा है, आप नाम लिख देना ठीक है, रहेगा तो सेम कर सेम कर देंगे, फिर सेम काम कर देंगे, नेट तो नहीं है ना अभी, चलो सो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ यूटीज, हां तो अभी 9 यूटीज ही लिखे, ठीक करा देंगे बस सर, जो क्वेश्चन होगा सर उसमें सर यूनिट टेरिटरीज अलग से लिखनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासस थ्रू सर, दे दिया हो गया, दे दिया ऊपर हो गया ना, लिख दिया बस, यही 5 पॉइंट करो, 5 पॉइंट सर, वो भी तो सर के ने पास से फ्रॉम द लास्ट लास्ट में एक ही दिया था, आइलैंड्स नहीं दिए, चलो ओके, अब इधर वाला रख कर दिया जाए, सो इट इज 8 degree उसको दे दो जो चाहिए, जरूरी है वो क्लास तो शांत रहेगी, सो 8 that is 37 degree 6 minutes north ओके 8 degree 4 minutes नॉर्थ से कहाँ तक जाता है, 6 minutes north तक है, और ये कहाँ से 68 degree 7 minutes 68 degree 7 minutes east से 97 degree 25 minutes east 25
मिनट ईस्ट। सो ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं और ये क्या है, ये लैटिट्यूड्स हैं दोनों और ये क्या है लॉन्गिट्यूड्स। सो इनको डिफरेंस करो, जरा सबट्रैक्ट तो करो। सो अगर मान लीजिए 37 डिग्री और 6 मिनट में से मैं 8 डिग्री 4 मिनट को सबट्रैक्ट करूं तो कितना आएगा बताओ, 29 डिग्री 2 मिनट। सो लगभग ये इतना इतना लेटिट्यूड ऑक्यूपाई कर रहा है इंडिया की, नहीं तो कितने चक्कर से घो के घूम रहा है इंडिया, 29 डिग्री। इसको इतने सारे चक्कर मिल गए हैं तो इट ऑक्यूपाइज हाउ मेनी सर्कल्स या लेटिट्यूड्स, दैट इज 29 लेटिट्यूड्स मिल गए इसको। तो ये वास्ट है और जरा इसे देखो कि ये कितने मिल गए हैं, दैट इज लॉन्जिट्यूड्स इसको कितने मिले हुए हैं, 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट, तो 25 में से 7 को माइनस करो कितना आएगा, दैट इज 7 कम कर दे तो 18 मिनट ये हो गया, और इसको करो 29 डिग्री 18 मिनट मिल गए, कैसे इतने लॉन्जिट्यूड मिल गए, इनके बीच में यानी इतनी सारी इसको लंबी रेखाएं मिली हैं तरफूजे के फांक और लगभग 30-30 दोनों मिले हैं। तो अब इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे कि इंडिया हैड 29 देखो इसको लिखेंगे द लैटिट्यूड ऑफ द मेन लैंड, तो द लैटिट्यूड ऑफ मेन लैंड एक्सटेंड्स ये कितना है इस the latitude of mainland, the difference लिखो, the difference of latitude of mainland is approx कितना है 30 degree and difference of longitude कितना है बताओ, 29 degree of longitude is 30 degree अप्रॉक्स, समझ में आया। तो इस तरीके से लिखेंगे द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज मेन लैंड इज 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड, यानी हमारा इतना एक्सटेंड है विस्तार, इतने सारी चीजें आती हैं, ठीक है। सो इंडिया ऑक्यूपाइज 30 लैटिट्यूड्स एंड 30 लॉन्गिट्यूड्स, हम ये कर रहे हैं कि नहीं ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो देखो इंडिया occupies 30 latitudes and 30 longitudes. So total हमारी border line कितनी है, boundary बोलो, 7,000 yes India's, तो हाँ क्या बताया उसको, वहां से फिर हमको office से सुनने को मिलेगा, आप तो यहाँ पर इतनी तेज चिल्ला रहे हो, वहां आपने जाके बोला कि मैम एक सन लो हमारे घर से पेरेंट्स को बुला के लाओ, ये सारी बदतमीजी यही भाई तुम्हें आती है, दिस काइंड ऑफ स्किल्स यू आर शोइंग टू टेल हिम, उसको मन मन में बता रही हो 15,200। सो इंडियाज टोटल बाउंड्री, तो कितनी बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री इज 15,200 किलोमीटर, और कितनी कोस्टल लाइन है, यानी हम हमारे जो इसमें से आधी हमको कोस्टल लाइन मिली हुई है नीचे है ना, ये गुजरात और यहाँ से शुरू हो जाती है और फिर ये कोस्टल लाइन यहाँ तक है, एंड इट्स ये तो टोटल है, और टोटल में हमको कोस्टल लाइन भी मिली हुई है, सो कोस्टल लाइन यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, वो कितनी है इसमें से, एंड हैज ए लॉन्ग कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर, इसको नोट कर लो, ये दोनों चीजें अगले क्लास में कराएंगे।